सिंध के चैंबर में चूहों की भरमार। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहब दरख्वास्त गुजार पर बरहम, रिमार्क्स दिए कि ये क्या बात हुई, क्या ये मामला हमारे सामने लाने वाला है, अगर ऐसा कुछ है भी तो हम इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में कुत्तों की भरमार की दरख्वास्त पर भी अदालत का इजहार बरहमी। कौमी असेंबली के अहम इजलास आज होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी अशिया जरूरत से मुतालिक दो तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। कौमी असेंबली इजलास से मुतालिक मुशावरत होगी। गिरफ्तार लीगी अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर समेत दीगर सियासी अमूर पर गौर किया जाएगा। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 23 अफराद जांबहक हो गए। तादाद 11,318 तक जा पहुंची। एक रोज में 1,629 अफराद में कोरोना की तशखीस। केसेस की तादाद 5,34,041 हो गए। मुख्तलिफ शहरों के हॉस्पिटल्स में 300 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज फिर बंद कर दिए गए। सीएनजी स्टेशन जुमेरात सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली गैस में कमी के सबब लोड मैनेजमेंट की जा रही है। दारुलहुकूमत मॉस्को दुनिया का सबसे पुरहजूम शहर करार। फहरिस्त में भारतीय शहर मुंबई का दूसरा, बेंगलोर का छठा, जबकि नई दिल्ली 8वें नंबर पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फहरिस्त जारी। कोरोना वबा के बायस ट्रैफिक में कमी के बायस ज्यादा हजूम वाले शहरों की शनाख्त आसान होगी।